टीम इंडिया ने वनडे सीरीज में मारी बाजी, अब है T20 सीरीज की बारी। 2020 में भी भारतीय खिलाड़ी दम दिखाएंगे, वनडे की तरह T20 सीरीज भी जीत के वापस आएंगे। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज में कैरेबियाई टीम का क्लीन स्वीप करने के बाद अब बारी है T20 सीरीज की। इस T20 सीरीज का पहला मुकाबला 29 जुलाई को ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला जाएगा। T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और भुवनेश्वर कुमार जैसे खिलाड़ियों की वापसी हुई है, तो वहीं विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह अब भी इस सीरीज का हिस्सा नहीं है। तो ऐसे में पहले मैच के लिए भारतीय टीम के लिए टीम सेलेक्ट करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन अब रोहित और द्रविड़ की जोड़ी ने पहले मैच के लिए अपने फाइनल 11 खिलाड़ी चुन लिए हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन से 11 खिलाड़ी आपको पहले मैच में खेलते हुए दिखाई देंगे। कौन कौन करेगा ओपनिंग? टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा तो ओपनिंग करने आएंगे ही आएंगे, लेकिन उनका साथी ओपनर कौन होगा इसको लेकर एक सस्पेंस सा बना हुआ था, क्योंकि पिछले कुछ मुकाबलों में रोहित शर्मा के साथ ऋषभ पंत ने ओपनिंग की थी। तो ऐसे में क्या इस मैच में भी पंत और रोहित ओपनिंग करने उतरेंगे? तो इसका जवाब है ना। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले मैच में टीम इंडिया रोहित शर्मा और ईशान किशन की जोड़ी के साथ ओपनिंग करने उतरेगी। चलिए ये तो बात हुई ओपनर्स की, कैसा होगा टीम इंडिया का मिडल ऑर्डर? पहले T20 मैच में नंबर 3 पर श्रेयस अय्यर को उतारा जाएगा, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने वनडे सीरीज में दमदार प्रदर्शन किया है और वो वेस्टइंडीज की विकेट्स को अच्छे से समझ भी गए हैं। नंबर 4 पर टीम इंडिया सूर्य कुमार यादव के साथ जाएगी। नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत उतरेंगे। कौन कौन निभाएगा ऑलराउंडर की जिम्मेदारी? क्योंकि इस सीरीज के लिए हार्दिक पांड्या की वापसी हुई है, तो ऐसे में नंबर 6 पर आपको हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा या फिर अक्षर पटेल में से कोई एक खेलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मैच से पहले जडेजा का फिटनेस टेस्ट होगा। अगर वो उसमें फिट नहीं होते हैं तो फिर टीम इंडिया अक्षर पटेल के साथ मैदान पर उतरेगी। इसके अलावा वेस्टइंडीज की टीम में लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ियों की भरमार को देखते हुए टीम इंडिया रविचंद्रन अश्विन को भी प्लेइंग 11 में मौका देने वाली है। कैसी होगी इंडिया की तेज गेंदबाजी? तेज गेंदबाजी की कमान भुवनेश्वर कुमार के हाथों में होगी। इसके अलावा हर्षल पटेल अपनी स्लोअर वंस से वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को परेशान करने के लिए टीम में मौजूद होंगे, और इसके साथ ही साथ अर्शदीप सिंह को भी मैदान पर उतारा जाएगा। अर्शदीप सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ एक T20 मैच खेला था और उसमें उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 विकेट चटकाए थे। ऐसे में रोहित ने दूसरे तेज गेंदबाज के तौर पर अर्शदीप सिंह को चुना है। चलिए आपको बताते हैं पहले T20 मैच के लिए कैसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग 11। पहले T20 मैच में रोहित शर्मा और ईशान किशन की जोड़ी ओपनिंग करने उतरेगी। तो नंबर 3 पर आएंगे श्रेयस अय्यर, नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 5 पर ऋषभ पंत, नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल में से कोई एक ऑलराउंडर आपको खेलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा दूसरे स्पिनर के तौर पर रविचंद्रन अश्विन टीम में होंगे। तो हर्षल पटेल, भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप सिंह तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है, जिस तरीके से टीम इंडिया ने वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज का क्लीन स्वीप किया है, क्या T20 सीरीज का पहला मैच भी टीम इंडिया जीत पाएगी? क्या वनडे सीरीज की तरह T20 सीरीज में भी टीम इंडिया कैरेबियाई टीम का क्लीन स्वीप कर पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।